पर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। बीजेपी जेजेपी के साथ इस दौरान गठबंधन तोड़ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक बुलाई है, सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, गृहमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि कल उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के गठबंधन में दरार आती हुई नजर आई है। बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता पक्ष के विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम ने बीजेपी और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक सुबह 10 बजे अपने आवास पर बुलाए। ऐसे में अब कयास ये सामने है कि बीजेपी जेजेपी से गठबंधन तोड़कर निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आएगी। इस बैठक में बीजेपी निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने के फॉर्मूले पर रणनीति बना सकती है। आपको बता दें, बीजेपी के पास निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है। ऐसे में इसी बीच दिल्ली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला देश के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, खबर सामने। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि बीती शाम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आपको बता दें, इसके साथ ही जेजेपी ने भी दिल्ली में सुबह करीब 11 बजे पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। दुष्यंत चौटाला अमित शाह से सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने पर बीजेपी जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला ले सकती है। यह खबर सामने, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती हुई नजर आई है। मंत्रियों की मुलाकात सियासी तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा की राजनीति का भविष्य आज दिल्ली से तय होना है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर आज फैसला होता हुआ नजर आएगा। दुष्यंत चौटाला मुलाकात कर सकते हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति का बड़ा दिन है, संभावना है तमाम तरीके की, किस तरीके से जो है चीजें परवान चढ़ती हुई नजर आएंगी वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आज दिल्ली में जननायक जनता पार्टी के लिए जो है महत्वपूर्ण दिन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है मिलते हुए जो है नजर आ रही है। ये मुलाकात जो है जल्द सुबह जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, या फिर ये मुलाकात जो है देर शाम को देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी। कल भी हमने देखा था किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो मुलाकात है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आई थी। और सीट शेयरिंग को लेकर जो है जननायक जनता पार्टी जो है लगातार अब जो है कवायद जो है करती हुई जो है नजर आ रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से एक से दो सीटें जो है वो हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है चाहती हुई जो है नजर आती है, जिसमें हिसार की बात करते हैं या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करते हैं, इन सीटों पर दावेदारी जो है कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, वो अब फैसला जो है बीजेपी जो है कहीं ना कहीं करती हुई जो है नजर आएगी। कल जब जेपी नड्डा से मुलाकात होती हुई नजर आई थी दुष्यंत चौटाला की, तो उन्होंने अपनी बात जो है भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के सामने रखी थी कि हम जो है आपके साथ गठबंधन की सरकार जो है चलाते हुए हरियाणा में नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें सीट जो है जननायक जनता पार्टी को भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो रिस्पांस था वो कुछ इस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिलता नजर आया था कि अब जो है आगे फर्दर बातचीत होती हुई नजर आएगी और एक दौर की और बैठक होती हुई जो है कहीं ना कहीं जो है नजर आ सकती है। और वो एक दौर की बैठक एक बार फिर से यानी आज देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और आज अगर कहीं पर बात नहीं बनती हुई नजर आती है तो एक हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बात करें तो बड़ा दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जहां पर सभी की निगाहें जो है
जननायक जनता पार्टी के फैसले के ऊपर देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि आखिरकार जननायक जनता पार्टी सीट मिलने के बावजूद या फिर कहे कि सीट ना मिलने के बावजूद जो है क्या गठबंधन में रहती हुई नजर आएगी या फिर अपनी राय जो है वो अलग करती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि बीजेपी जेजेपी सरकार किस तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट करते हुए नजर आती है, गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा। स्पर्श बने रहेगा हमारे साथ, रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखी जा रही है। बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी बड़ी खबर सामने की लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है, बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही स्पर्श दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर यहां पर बात कहां बिगड़ती हुई नजर आई, क्योंकि अक्सर बीजेपी नेताओं की ओर से यह देखा जाता था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब कल जिस तरीके से घटनाक्रम देखा गया उसके बाद से यह लगभग लगभग अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि दिल्ली में अगर बात नहीं बन पाती है तो गठबंधन टूट जाएगा। देखिए, लगातार हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की जो गठबंधन की अगर हम बात करें तो एक बात लगातार सामने आती रही, जब भी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेताओं से ये पूछा गया कि 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में है, 2019 में 10 सीटें बीजेपी जीती थी और इस बार अब आप गठबंधन में है, इस बार 2024 के लिए क्या रणनीति रहेगी, तो ऐसे में इस सवाल का जवाब बीजेपी के हरियाणा के तमाम नेताओं का एक ही हमेशा से रहा है और वो ये रहा है कि पार्टी का हाईकमान जो है वो तय करेगा कि गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव 10 सीटों पर लड़ना है या बिना गठबंधन के लड़ना, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा और आज उस का फैसला जो है वो एक तरीके से होना है। चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो सोमवार को मुलाकात हुई है उस मुलाकात में सूत्रों के मुताबिक सहमति सीट शेयरिंग पर नहीं बनी है। इसके बाद आज एक बार फिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से होनी है, इस मुलाकात में भी अगर सहमति सीट शेयरिंग पर नहीं बनती है तो फिर अगला कदम क्या होगा उसकी पूरी स्क्रिप्ट जो है वो लगातार तैयार की जा रही है। देर रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक की थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1-to-1 मंत्रियों से चर्चा की है और साथ ही निर्दलीय जो विधायक हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने सूत्रों के मुताबिक फोन पर बातचीत की है। निर्दलीय विधायकों को भी 8:30-9 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया है और अभी जो जानकारी अपडेट जानकारी जो मिली है वो यही है कि चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में करीब 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सरकार का समर्थन करने वाले यानी सरकार को जो पहले से ही समर्थन दे रहे हैं वो निर्दलीय विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हलोपा के जो विधायक गोपाल कांडा है उन्हें भी बुलाया गया है और अगर पार्टी का बीजेपी का जो हाईकमान जेजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रहने के लिए प्रदेश के नेतृत्व को जो है वो आदेश करता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा का नेतृत्व है वो उसके लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी में कल दोपहर बाद से ही जुटा हुआ है। उसकी तस्वीर आज चंडीगढ़ में किस रूप में सामने आएगी, ये जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो मुलाकात की चर्चाएं हैं उस मुलाकात पर टिकी हुई है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो जननायक जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर फिलहाल किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक चंडीगढ़ में नहीं बल्कि दिल्ली में जननायक जनता पार्टी ने अपने विधायकों को जो है वो बुलाया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो मुलाकात होनी उस मुलाकात के बाद जननायक जनता पार्टी के जो विधायक है उनको दिल्ली में बुलाई जाने की जानकारी, लिहाजा चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर तो कोई हलचल नहीं है। दूसरी तरफ हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास की तस्वीर की बात करें तो मुख्यमंत्री का जो चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर आवास पर है वहां पर भी अभी फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन 9 बजे के बाद जो है वो हलचल देखने को मिलेगी। चूंकि बैठक का समय भले ही 11:30 बजे रखा गया है लेकिन तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं वो इससे पहले ही मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचेंगे, इस तरीके की जानकारी सूत्रों से है। हालांकि बैठक जो विधायक दल की है उसका आधिकारिक जो समय है ऑफिशियल जो बैठक है वो भले ही 11:30 बजे बुलाई है। इसी बीच ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें लोकसभा चुनावों को लेकर चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने, सुबह 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे, वही सीएम आवास पर यह बैठक होती हुई नजर आएगी। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी लोकसभा चुनावों पर चंडीगढ़ से आपको बता रहे, सुबह 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होती हुई नजर आएगी, सीएम मनोहर लाल
बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। वहीं हमारे सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन जी, आप बात कर रहे थे सीएम मनोहर लाल के संत कबीर कुटीर आवास की, कि वहां पर किस तरीके की हलचल रहने वाली है, किस तरीके से विधायकों से उनकी बातचीत देखी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो संत कबीर कुटीर आवास पर है, वहां से अभी जो है वो मैं होते हुए जननायक जनता पार्टी के चंडीगढ़ कार्यालय के बाहर पहुंचा हूँ। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर इस वक्त की जो तस्वीर है वो ये है कि वहां पर अभी फिलहाल कोई जो है वो मंत्री या विधायक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल देर रात को ही तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। उनसे क्या आगे की रणनीतियों इसके ऊपर जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है मंथन किया जा चुका है। इसके साथ ही सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों से भी बातचीत कर ली है। निर्दलीय विधायकों को आज चंडीगढ़ सुबह 8:30-9 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है। जो बैठक विधायक दल की बुलाई गई है वो बैठक करीब 11:30 बजे बुलाई गई है। 11:30 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में बीजेपी विधायक दल की और सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव कुमार देव और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले दिल्ली के ऊपर नजर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली में जो बीजेपी का पार्टी का हाईकमान है वो हरियाणा के गठबंधन का क्या भविष्य तय करता है, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन पर बीजेपी के आलाकमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, उसी पर ही पूरी जो सुई है वो टिकी हुई है। और देखना यही है कि बीजेपी का जो आलाकमान है वो दुष्यंत चौटाला की जो दिल्ली में होने वाली मुलाकात है उस मुलाकात के बाद क्या फैसला करता है, उस फैसले पर ही हरियाणा की जो सियासी तस्वीर है वो सामने आएगी। ऐसे में आज का जो दिन है वो हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहेगा या बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटेगा, इसके ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह जो है वो टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो यही कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की और बीजेपी के आलाकमान के बीच क्या सीट शेयरिंग पर कोई सहमति बनती है या नहीं बनती, सब कुछ इस पर टिका हुआ है। और पार्टी का जो हाईकमान है भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रदेश के नेतृत्व को क्या आदेश देता है इस मुलाकात के बाद, उसके ऊपर जो है वो हरियाणा में सियासी जो पटकथा है वो लिखी जाएगी। आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सियासी तौर पर, खास तौर पर अगर हम इसे कहें तो। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुलाकात जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होनी है, उस मुलाकात के बाद हरियाणा में जो चंडीगढ़ में जो तस्वीर है वो आगे की बनती हुई दिखेगी। अगला कदम जो है वो जननायक जनता पार्टी का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या कदम हरियाणा में रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में अब इस वक्त जो गठबंधन में सरकार चल रही है, अगर गठबंधन टूट जाता है तो फिर नई सरकार का समीकरण क्या होगा, किस तरीके से किन्हें मौका मिलेगा, किन्हें जो है वो जो है वो बाहर का रास्ता एक तरीके से देखना पड़ेगा, ये जो है वो बड़े सवाल है। अगर जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूटता है तो 3 मंत्री नए बनना तय है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के कोटे में 3 मंत्री पद है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैबिनेट में मंत्री हैं, साथ ही देवेंद्र सिंह बबली मंत्री हैं, अनूप धानक राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर गठबंधन टूट जाता है तो फिर 3 नए मंत्री बनना तय है। 3 नए मंत्री जब बनेंगे तो किस निर्दलीय की किस्मत चमकेगी, किसकी लॉटरी लगेगी, ये जो है वो जरूर बड़ी बात रहेगी। और हरियाणा के लिए आज का दिन हरियाणा के लिए सियासी तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े उलटफेर के संकेत हरियाणा में कल देर शाम से मिल रहे हैं। जी, हरियाणा में गठबंधन का भविष्य दिल्ली से तय होता हुआ नजर आएगा। आप दोनों सहयोगी बने रहेगा हमारे साथ।